हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आईटी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूँ आईटी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आईटी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपको कुछ नई टिप्स, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक वेबसाइट से रिलेटेड है। आप यदि सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं या आप स्टूडेंट्स हैं या भी आप .NET टेक्नोलॉजी के लिए आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये दोस्तों जानते हैं कि .NET टेक्नोलॉजी में आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने सारा किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है, तो मैं आपको उसका व्यूज़ दिखाऊँगा कि कैसे किया हुआ है। ठीक है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आगे वीडियो में मैं पूरा प्रोजेक्ट कोड के साथ, डिज़ाइनिंग के साथ मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास डायरेक्ट आ जाए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं फटाफट, हम आपको डिज़ाइन व्यू दिखाते हैं कि कैसा मैंने वेबसाइट डिज़ाइन किया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ गूगल क्रोम पे। देखिए, मैंने इसको रन किया है। दोस्तों, प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिंक आ गया, लोकल होस्ट 2314 home.aspx। मेरा होम पेज वेबसाइट का ओपन हो गया है। अभी ये वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन नहीं हुआ है, अभी कुछ मैंने पेजेस में डिज़ाइन किए हैं, अभी कुछ बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ, ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट ये होम सेट किया हुआ है तो होम ही रन हो रहा है इसमें, और इसे मैंने मास्टर पेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसका सबसे पहले मैं आपको जो फ्रंट पेज है वो दिखाता हूँ। ये मास्टर पेज है पूरा, जो आप ऊपर देख रहे हैं, और नीचे जो फुटर देख रहे हैं ये भी मास्टर पेज में आ रहा सारा। ये नीचे का जितना आप देख रहे हैं, ये मोबाइल लैपटॉप एसेसरीज, पेमेंट मेथड और फॉलोअर्स, ये सारा चीज़ ये मास्टर पेज में है टोटल चीज़। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आप ये मैंने वेबसाइट बनाया, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मोबाइल लैपटॉप एसेसरीज आप इसके थ्रू परचेज और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको होम पेज, मैंने आपको दिखा दिया ये मेरा होम पेज है। ठीक है, अब इसमें जैसे कस्टमर को, ये आप जो टैब देख रहे हैं एडमिन, ये एडमिन लॉगिन के लिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन करेगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एडमिन का ये एडमिन यूज़र नेम मैंने यहाँ पर एंटर किया है और पासवर्ड मैंने एंटर किया है। जो ये कनेक्टिविटी है, ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी किया हुआ है SQL सर्वर के थ्रू, और उसी से ये लॉगिन साइन अप सारा चीज़ प्रोसेस। देखिए, लॉगिन हो गया और यहाँ पे मैंने एक सेशन लगाया हुआ है जो कि एडमिन ने का जो यूज़र आईडी था वो यूज़र आईडी यहाँ पे आ गया है। अब एडमिन यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, एडमिन ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और सर्च कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, ऐड का डिज़ाइन जो मैंने बना रखा है, एडमिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, उसके लिए प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, किस कैटेगरी का उसको ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, और वहाँ से पिक्चर्स जो प्रोडक्ट का इमेज वो करेगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के सबमिट करेगा, ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अपडेट पे जैसे जाते हैं तो अपडेट पे देखिए, जो जो प्रोडक्ट अभी हमारे पास डेटाबेस में है वो एक ग्रिड व्यू में रिट्रीव होकर के प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, जो एडमिन यहाँ पे देख सकता है इस चीज़ को। और यहाँ पे मैंने पेजिंग किया हुआ है, A1 पेज 2 पेज पे ये इस चीज़ को शो कर रहा है। देखिए, अब जैसे मैं इसमें लॉग आउट करूँगा तो ये एडमिन लॉग आउट अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको अबाउट का पेज दिखाता हूँ। अबाउट में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना है, जो मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का साइट है ITPW शॉप, इस शॉप के बारे में जानिए कि क्या क्या हम सेल करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या ऑफर्स हम प्रोवाइड करते हैं।
ये सारी चीज़ आपको इसमें जानकारी मिलेगी। कॉन्टैक्ट पेज अभी डिज़ाइन नहीं हुआ है, कॉन्टैक्ट पेज अभी कमिंग सून है। आते हैं दोस्तों लॉग इन पेज पे। देखिए लॉग इन भी हुआ है, लॉग इन पे ऑलरेडी हमारे पास यूज़र आईडी है, जो मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ। देखिए ये यूज़र आईडी है और इसका पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ, और लॉग इन करते ही ये मेरा होम पेज पे जाना चाहिए। देखिए आ गए हम होम पेज पे, ठीक है। तो दोस्तों लॉग इन भी हो रहा है। अब आते हैं साइन अप पे। ये रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स, नेम, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जेंडर सेलेक्ट करके और एड्रेस एंटर करेगा अपना, कंप्लीट एड्रेस, और यूज़र नेम यहाँ पे चूज कर सकता है। अगर यूज़र 123, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लॉगिन किया था 123 यूज़र आईडी से, और यूज़र यदि यहाँ 123 करता है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है, आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, यदि यूजर नेम ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप दूसरे यूज़र यदि मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आएगा, यूज़र नेम अवेलेबल, ठीक है। तो दोस्तों ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं, और सबमिट पे जैसे करते हैं तो सबसे पहले सारा फील्ड्स रिक्वायर है, इसको फिल करना पड़ेगा तभी ये वैलिडेशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आते हैं हम अब प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। प्रोडक्ट वाले पेज पे जो मैंने गिट व्यू में दिखाया था क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे डेटाबेस में, वो सारा प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। आप मोबाइल में आएंगे तो सिर्फ मोबाइल प्रोडक्ट आपको दिखेगा, अभी पेज लोडिंग पे है तो देखिए इसमें मोबाइल मोबाइल प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। लैपटॉप अभी इसमें कुछ भी नहीं है, एसेसरीज में भी अभी इनका पेज ऐड नहीं हुआ। तो दोस्तों ये एक डिज़ाइन व्यू है, आप यहाँ से भी मोबाइल पे जा सकते हैं, लैपटॉप वाले पेज पे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये एक डिज़ाइन व्यू है जो मैंने बनाया है ई कॉमर्स वेबसाइट ASP.NET में। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको इसका डिज़ाइन और कोर्स आपको रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स करें। यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग IT प्रोग्रामिंग वर्क। स्टे ट्यून्ड विद कृष्णा राजपूत।